संसद में आज बजट सत्र का पहला दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई बजट सत्र की शुरुआत। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी अंतरिम बजट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में कहा, 3 दशकों बाद नारी शक्ति वंदन विधेयक को पास करना एक सराहनीय कदम, इससे लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की अधिक भागीदारी होगी सुनिश्चित। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के अलावा कई और तहखाने, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण टीम ने किया खुलासा, ASI सर्वे में 6 तहखाने खुले पाए गए। मुस्लिम दल ने अयोध्या में रामलला के किए दर्शन, रामलला के दर्शन के लिए हर दिन बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। भारत में पहली बार हुई हिम तेंदुओं की गणना, गणना में पाए गए 718 नए हिम तेंदुओं की हुई पहचान, 477 हिम तेंदुए अकेले लद्दाख में। 1 फरवरी से IMPS के नियमों में होगा बदलाव, ग्राहक भेज सकेंगे 5 लाख रुपए तक की राशि, सीमित डिटेल के साथ ट्रांसफर होगी रकम। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने न्यूजीलैंड को 214 रनों से दी शिकस्त, 296 रनों का पीछा करते हुए 81 रन पर ही सिमटी न्यूजीलैंड की पारी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आंधी बारिश का अलर्ट, अगले सप्ताह 3 पश्चिमी विक्षोभ होंगे सक्रिय, जिससे बारिश व बर्फबारी की बढ़ेगी संभावना।